ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। बड़ी जानकारी, विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में मंथन लगातार जारी है। कांग्रेस में टिकट बंटवारे पर मंथन जारी है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है आज। प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मोहर लगेगी, कल जारी होगी कांग्रेस की पहली सूची। लिस्ट जारी करने पर दीपक बाबरिया का बयान भी सामने आया। लिस्ट जारी करने में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते, ज्यादातर मौजूदा विधायकों को टिकट दिया जाएगा, दीपक बाबरिया की तरफ से कहा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि खामी पाए जाने पर उनका टिकट कट भी सकता है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने का भी दावा किया है दीपक बाबरिया ने, तो वहीं कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा में बीजेपी का सूपड़ा साफ होगा, दीपक बाबरिया कहते हुए नजर आए। तो बताते चले जहां बीजेपी पर निशाना साधा और अपनी ट्वीट का दम भरा है दीपक बाबरिया ने। कॉन्फिडेंट है और जो है 90 सीट पे से भारी जंगी बहुमत से हम जीत के आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की डिपॉजिट 23 सीटों पे चली जाएगी, वो भी मैं आपको पूरा जो है विश्वास से कह सकता हूँ। सर पैनल में कितने कितने नाम जा रहे हैं, कुछ ऐसा है? नहीं, नीचे कर ले यार थोड़ा सा। कितने पैनल में? एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, एक ही और जो है दो से ज्यादा भी हो सकता है। दो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। सीईसी की बैठक में सभी सीटों पर चर्चा हो जाएगी क्या? उम्मीद है। सर मौजूदा विधायकों को लेकर भी चल रहा था कि जिस तरह से अध्यक्ष ने कहा था कि अगर उनके अगेंस्ट एंटी इनकमबेंसी है, लोकप्रियता कम है, तो उनके टिकट कट सकती है, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि मौजूदा विधायकों के भी टिकट कट सकती है? उम्मीद कर सकते हैं कि मौजूदा विधायक ज़्यादातर सब लोग जो है रिपीट हो जाएंगे, मगर उसमें जिसकी भी कमजोरी है तो निश्चित रूप से उसका भी आकलन किया जाएगा। सर सीएम के नाम की घोषणा पहले ही कर देंगे चुनाव से? अभी तो कोई दरखास्त नहीं है मेरे पास। सर, आपके नाम की करवा दूं? सर आपके कई दावेदार मिले हैं जो ये कह रहे हैं कि टिकट नहीं मिली तो आप फिर बाजू होकर चुनाव लड़ेंगे। किसने कहा आपको? नहीं, अपना नाम नहीं आपके मन से उठ रहा है, बाकी कांग्रेस का कोई भी एक भी हो सकता है कि कोई बीजेपी से आया हुआ कोई बंदा हो, बीजेपी ने यहाँ प्लांट किया हुआ बंदा हो सकता है, बाकी कोई। सर कांग्रेस ने 70 पार का लक्ष्य लिया है, आपने भी कहा था कि 70 पार जाएंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी ने कहा है 85 से ज्यादा। अरे वो गलती कर दी, जैसे डेट में गलती कर दी ना, ही मेंट टू से 95 प्लस, समझे मैं क्या कह रहा हूँ? वो 85 नहीं, वो कल्पना की दुनिया में रहते हैं तो बच्चा भी आपको बता सकते।